अम्बाला में रोडवेज चालक राजवीर की हत्या के बाद पूरे हरियाणा में रोडवेज के चक्का जाम का असर देखने को मिला। कैथल में भी हजारों यात्रियों को चक्का जाम के चलते परेशानी उठानी पड़ी। यहां तक कि कई यात्रियों को बसों की छतों पर बैठकर सफर करना पड़ा। चक्का जाम के चलते जहां एक तरफ कैथल का नया बस स्टैंड बिल्कुल सुनसान दिखाई दिया, तो वहीं दूसरी तरफ सैकड़ों रोडवेज कर्मी धरने पर बैठे। रोडवेज कर्मियों ने सुबह 4 बजे से पहले ही बस स्टैंड से बसों का आवागमन रुकवा दिया था। चालक राजवीर को न्याय दिलाने के लिए रोडवेज के चक्का जाम को अन्य विभागों का भी समर्थन मिला। मैं महावीर सिंह संधु, रोडवेज कर्मचारी यूनियन 1004 का कैथल डिपो प्रधान। देखिए, ये 12 तारीख की रात को दीपावली का दिन था और अम्बाला कैंट के अंदर हमारा जो साथी है राजवीर सिंह चालक, वो अपनी ड्यूटी पर कार्यरत था। वहाँ पर एक कार में 4 से 5 लड़के आते हैं जो नशे में सवार होते हैं, और जब उन्हें बस स्टैंड के प्रांगण में वो कार खड़ी कर देते हैं, उसको बोलते हैं इसको एक साइड में कर ले। इसी बात पर वो जोश में आ जाते हैं और उस पर जो उनकी गाड़ी में पहले ही हथियार से लैस साथी थे, जो उन्होंने हमारे चालक पर जानलेवा हमला कर दिया। और एक रेडी वाला ने पुलिस को सूचना दी कि ऐसे ऐसे आपके घटना घट गई है, और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। उसकी ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो गई कि उसे PGI में जाते जाते ही अपना दम तोड़ दिया। और हमारी प्रशासन से मांग है भाई, जो हत्यारे हैं उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए, और जो मुकदमा दर्ज है उसके जो साथी गुजरे हैं राजवीर सिंह, उसके परिवार को एक स्थायी रोजगार और उसको 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। देखिए, परिवहन मंत्री से भी हमारी मांग है, मूलचंद शर्मा जी से भी, जिसे वो इस जनता का रोडवेज को गरीब रथ कहता है, कि 48 घंटे से ज़्यादा हो गया जो हमारे साथी की जो वो डेड बॉडी है अम्बाला कैंट के बस स्टैंड के अंदर रखी है। ये रोडवेज के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कभी रोडवेज का साथी जो गुजर गया उसकी जो डेड बॉडी है वो रोडवेज के प्रांगण में 48 घंटे रखी हो। ये बहुत बड़ा, और अनिल विज जो अपने आप को हरियाणा सरकार का इतना बड़ा प्रशासन का मुखिया कहता है, कि वो 2013 में भी एक रोडवेज का अम्बाला में कैंट में घटना घट गई थी। वहाँ पर अनिल विज खुद बस स्टैंड में आया था, वो साथी हड़ताल में शहीद हो गया था, नरेंद्र काका सिंह जी। उन्होंने कहा था अभी इसको शहीद का दर्जा और मान सम्मान दिया जाए, जब सरकार कांग्रेस की थी। आज 10 साल बाद आज सरकार BJP की है, वही घटना आज अम्बाला में फिर दोबारा से घट जाती है। और अम्बाला कैंट में ही बस स्टैंड और अम्बाला कैंट में ही अनिल विज का कुछ दूरी पर ही मकान है। भाई 48 घंटे से ज़्यादा हो गया कि वो अनिल विज अपने ही एरिया में रोडवेज के कर्मचारी की जो डेड बॉडी है सरकारी संस्थान में प्रांगण में रखी है, और 21,000 जो आज रोडवेज का कर्मचारी है वो जमीन पर बैठा, उस परिवार को न्याय दिलवाने के लिए। अगर एक सरकारी कर्मचारी को ही न्याय लेने के लिए इस तरह से 21,000 आदमियों को जमीन पर बैठ कर मारा गया, तो प्रदेश में कानून व्यवस्था कहाँ रह जाएगी? आम जनमानस को कैसे उसके अधिकार और सुरक्षा मिल पाएगी? तो ये चक्का जाम की कोल रात 12 बजे से जारी है, क्या लगता है भविष्य क्या हो सकता है इसका? देखिए, रोडवे ये एकदम से ऐसे नहीं करी गई, पहले अम्बाला और उसका सब डिपो नारायणगढ़ है। पहले 24 घंटे वो अम्बाला डिपो और सब नारायणगढ़ सब डिपो को बंद किया गया प्रशासन को। दो दौर की वार्ता भी हुई SDM साहब से और DC से, उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए कि हम आपकी बात ऊपर तक पहुँचा देंगे, लेकिन वो कुछ भी अपने ऊपर अधिकार क्षेत्र में ना आने की वजह से वो टाल मटोर कर दिए गए। फिर हमारे नेताओं ने पूरे हरियाणा का चक्का जाम का संदेश दे दिया था। सरकार को फिर भी 5 घंटे का टाइम दिया था कि आप वार्ता करके इस समस्या का समाधान करवाइए, दोषियों को सज़ा दिलवाइए और वो एक रोज़गार और उसके परिवार को आर्थिक सहायता कीजिए, लेकिन सरकार फिर भी रात को 12 बजे तक नहीं उन्हें देखी। और इतना बड़ा आज हिंदुओं का त्यौहार है, देखो भैया दूज का, जिसे भाई बहन का त्यौहार कहा जाता है, सरकार चाहती तो इसका समाधान कल कर सकती थी, लेकिन सरकार ने जानबूझकर इसका समाधान कल ना करके आज इसको आम जन को परेशान करने के लिए मजबूर किया है। मैं हरियाणा राज्य परिवहन कैथल डिपो में परिचालक बलवान कुंडू और हरियाणा कर्मचारी महासंघ जिला कैथल का महासचिव। जी जी, चक्का जाम को किन-किन विभागों का सहयोग प्राप्त? देखिए, चक्का जाम में रोडवेज विभाग के तमाम कर्मचारी सुबह 4 बजे गेट पर पहुंचे और हमारे समर्थन में हमारे साथी राजवीर को न्याय दिलवाने के लिए रोडवेज विभाग के साथ साथ बिजली बोर्ड के कर्मचारी, शिक्षा विभाग के कर्मचारी, इरीगेशन के कर्मचारी, PWD के कर्मचारी, जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, BNR के कर्मचारी, वन विभाग के कर्मचारी, तमाम विभागों के कर्मचारी साथियों ने आज इस दुख की घड़ी में रोडवेज विभाग के तमाम कर्मचारियों का समर्थन देने के लिए सुबह से लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और हम हरियाणा प्रदेश की सरकार से मांग करते हैं कि जब तक प्रदेश में हमारा जो कर्मचारी साथी था जिन्हें अपनी शहादत दिया राजवीर जी, उसको न्याय नहीं मिलता,
तब तक प्रदेश के तमाम डिपो और सब डिपो पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। और आज 5 बजे परिवहन मंत्री के साथ मीटिंग है। हम परिवहन मंत्री और प्रदेश की सरकार से भी अपील करते हैं कि जल्द से जल्द हमारा जो कर्मचारी साथी था उसको न्याय मिले। तब तक न्याय नहीं मिलता तब तक प्रदेश का कर्मचारी चैन से नहीं बैठेगा, पूर्ण रूप से चक्का जाम रखेगा।